थाईलैंड में बंदरों के आतंक से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब सरकार को इस बारे में कठोर कार्रवाई करनी पड़ रही है। सरकार के आदेश के बाद वाइल्ड लाइफ विभाग ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बंदरों के प्राइवेट पार्ट्स काटकर जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद ये बंदर सोंखला शहर में घुस गए थे और घरों में घुसकर खूब आतंक मचाया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक वाइल्ड लाइफ विभाग के कर्मचारियों ने करीबन 200 बंदरों को बेहोश कर पिंजरों में डाला और फिर ऐसा किया। इसके अलावा बंदरों को मार्क भी किया गया है ताकि भविष्य में कभी इस तरह की कार्रवाई में इनकी पहचान हो सके। एक रिपोर्ट के अनुसार थंगटेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफिसर सुवात सुक्सिरी ने कहा कि हमें बंदरों को रोकने की जरूरत थी। निवासियों ने कहा है कि अतिरिक्त बंदरों के आने पर अतिरिक्त समस्याएं और संघर्ष हो सकता है। इससे पहले लोपबुरी के केंद्रीय मेट्रोपोलिस में भी बंदरों की संख्या नियंत्रण से बाहर होती देख इस तरह स्टेरिलाइज किया गया था। अधिकारी ऐसे 500 से 6000 जानवरों की तलाश में हैं, जो खाने के आउटलेट के बाहर रहकर लोगों को आतंकित करते हैं। उन सभी का लिंग बदलने की कार्रवाई करने की योजना है। लोगों ने उन्हें जंक फूड देने का प्रयास किया, लेकिन खाने में शुगर की मात्रा बढ़ने से उनके प्रजनन में वृद्धि हुई और अब लोगों के लिए ये एक समस्या बन गए हैं। मार्च में देखा गया था कि सैकड़ों बंदर खाने के आउटलेट्स के बाहर जमा हो जाते थे। इसके फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इनकी संख्या हर 3 साल में दोगुनी हो रही थी और इंसानों के लिए इन्हें सहन करना मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पर इन बंदरों के लूट से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबरों के अनुसार कोरोना वायरस के दौरान इन बंदरों ने लॉकडाउन में लोगों के घरों में आतंक मचाया और कई बार दंगे भड़काने जैसा माहौल भी पैदा हो गया। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश की है, जहां एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुआ कितना खतरनाक जानवर है, इससे हम सब वाकिफ है। पलक झपकते ही वो किसी का भी काम तमाम कर देता है। ऐसे में सोचिए, जब वो शहरी क्षेत्र में पहुंच जाए तो क्या होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जब एक तेंदुए ने अचानक शहरी इलाके में पहुंचकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने कई लोगों को जख्मी कर दिया, वहीं रेस्क्यू टीम को उसे पकड़ने में पसीने छूट गए। जानकारी के मुताबिक रहवासी इलाके में एक तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि पहले तेंदुआ एक महिला के घर में दाखिल हुआ। जब उसने तेंदुए को देखा तो जोर से चिल्लाने लगी। तेंदुए ने पहले महिला और उसके बच्चे को घायल किया। इसके बाद जब उसका पति उसे बचाने आया तो तेंदुए ने उसे भी जख्मी कर दिया। इधर किसी ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो इधर उधर भागते रहा। इस दौरान तेंदुए ने एक रेस्क्यू टीम मेंबर पर भी हमला कर दिया। तेंदुए के आतंक से लोग इधर उधर भागते रहे। कई बार तेंदुआ कहीं जाकर छुप जाता था। काफी समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान तेंदुए ने काफी आतंक मचाया, जिससे लोग सहमे रहे। हालांकि आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, किस तरह तेंदुआ कोहराम मचाए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी हैरान है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।